बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं ये अभी वीडियो क्लिप देख रहा था, आप भाइयों को पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। ये मैं आपको ना स्टार्टिंग में, चलो आप वीडियो क्लिप आपको सुना देता हूँ मैं। इस सऊदी खातून का जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फेमस है, और परदेसी भाई खासकर इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि हम परदेसी इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, ये जो नीचे मेरे गैर मुल्की परदेसी भाई बैठे हुए हैं, ये उनसे बात क्या कर रखी आप? पहले ना यार इसका शॉर्ट सा क्लिप देख लें, फिर बात कर लेते हैं। जी तो आपने क्लिप देख लिया? वो उनको बोल रही है जी कि मैं आपके साथ आपको नाश्ता करना चाहती हूँ, अना सवा सवा अकल तो फतूर। और वो बोल रहे बिस्मिल्ला आ जाए, कोई मसला नहीं। आपको भी बताया कि हम जो यहाँ पर गैर मुल्की मुकीम हैं, हम अगर भाई गर्मी है तो छाँव देखते हैं, वहाँ पर सुफरा लगाओ यार और खाना खाएं। अगर सर्दी है तो भाई धूप में सुफरा लगा लो। और ये भी ऐसे ही तीनों परदेसी भाई फतूर यानी कि नाश्ता करने लगे। और ये सऊदी खातून है जो ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फेमस है, इनके भाई लाखों के हिसाब से व्यूज़ लाइक्स आते हैं, और ये एक वीडियो बना रही थी अपने लिए, यानी कि अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर लगाने के लिए। और इन्होंने इनके साथ वीडियो बनाई कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला जी बिस्मिल्लाह आ जाए, बाद में बोलती नहीं शुक्रन। और बाद में उस बंदे ने, एक ने पूछा भी इनसे कि आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगा रही हैं, उसने बोला जी। और बात सिर्फ आपको परदेसियों को इस वीडियो में सिर्फ मेरा ये वीडियो बताने का, ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था ये सुन लें, कि जो तो पुराने बंदे हैं वो तो जानते हैं। नीचे एक बंदा जो बैठा हुआ था ना, वो बोल पता क्या रहा था, वो बोल रहा था बाद में छूटता है जी आना मुश्किल भी। अगर आप इस वक्त हमारे साथ बैठकर यहाँ पर फतूर करेंगी तो छूटता इधर उधर कहीं देख लेगा, या किसी सऊदी ने ही क्यों नहीं देख लिया, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमारी जान नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है। और आप तो भाई, आपको तो कुछ भी नहीं होगा, आपको तो कोई भी नहीं कोई बोलेगा। और दूसरी बात, आपको पता है कि जो परदेसी भाई हम यहाँ पर मुकीम हैं, हम अगर अपने मोबाइल से किसी भी सऊदी खातून की कोई पिक्चर या वीडियो बनाते हैं, अच्छा इसमें यह भी चलो मैं आपको बता दूँ, चाहे वो सऊदी खातून एग्री क्यों नहीं है कि मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, तब भी आपको रगड़ा लग जाएगा। हकीकत बात है, आप अगर वीडियो बनाते हैं जिसमें सऊदी खातून को साथ दिखा रखे हैं, उसके साथ कुछ बातें वगैरह कर रखे हैं, यानी कि अगर तो आप उसके पर्सनल ड्राइवर हैं तो फिर उसी से रिलेटेड कोई आप बात कर रहे हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं। अगर आप ऐसे, जैसा कि ये अभी सोशल मीडिया की स्टार आ गई है, उनसे बातचीत, अगर ऐसी ही वीडियो इनमें से कोई बंदा आगे से बनाता और बोलता कि ये एक खातून है जी सऊदी और हमारे साथ नाश्ता करना चाहती है, ये है वो ऐसे है वैसे है, तो ये यकीनी बात है उस बंदे को उसी दिन ही तो नेक्स्ट डे भाई उठा लिया जाता, और बाद में एक साल जेल में रखते, दो साल रखते, उसके बाद डिपोर्ट। तो भाई ये सऊदी खातून ने वीडियो बनाई, ठीक है, उसको आगे से बोल दिया ठीक है आप बिस्मिल्लाह खा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी कोई भी वीडियो अगर कोई सऊदी खातून बना रही है आपकी, और आप आगे से उसकी बनाना शुरू कर दें, तो भाई आप पकड़े जाएंगे, ये कन्फर्म बात है। तो इससे परहेज़ कीजिएगा, बाकी उनको अलाउड है, वो जैसे मर्जी हमारे साथ बना लें।